मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल। सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवश शाह है एंड आई एम फ्रॉम लक्की मरोर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माय उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते और हर शब जुम्मा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुम्मा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्टम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्टम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल अगर मैं सही सुना हूँ बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं। भाई बहन बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक और चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलती है जरूरत के बिना, अने आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत की बेरा, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस लोग बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे, पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना। उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजूरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है फिर कोई पीडोफिलिया है। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन?